चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में बुधवार को दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। दरअसल जलती हुई एक बस का वीडियो सामने आया है, जहां पर रूट नंबर 534 पर चलने वाली डीटीसी का एसी बस में अचानक से आग लग जाना। कोई कुछ समझ पाता तब तक पूरी बस जो है वो धुएं के गुब्बार की तरह उठने लगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं इसकी कि किस तरह से इस बस में अचानक से आग लगी, उसके बाद धुएं का जो गुब्बार है वो बस से निकलने लग गया। बताया जा रहा है कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास ही दो दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई तो घटनास्थल पर दोनों तरफ के रास्तों को सील कर दिया गया और आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस पूरी तरीके से जल, तो इसकी हमने कैटेगरी मेक फर बोलते हैं हमारा बढ़ाई, तो हमने 6 गाड़ी और मंगवाई है और आग पे तुरंत ही 10-15-20 मिनट में ये हमने आग पे काबू पा लिया। बस के साथ साथ दो दुकानों का, एक चाय वाले की दुकान थी जिसमें एलपीजी सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है, दूसरा साथ में ही कूलर बनाने की दुकान थी, वो कूलर की दुकान थी, उसमें आग लगी, उससे भी उसको डैमेज हुआ। ये बस का बस में ही हीटिंग या इंजन में कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ है कुछ।